राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के 16 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले हफ्ते कोविड-19 सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया था। एक अधिकारी ने इसमें बताया था कि जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 19 नमूनों की रिपोर्ट जो है वो सोमवार को हासिल हुई है। अधिकारी ने इसमें कहा है कि इसमें से 15 नमूनों में JN.1 वेरिएंट मिला है, 2 में XBB सब वेरिएंट है और बाकी के अन्य वेरिएंट पाए गए हैं। अधिकारी ने इसमें जानकारी दी है कि पहले मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि जो महिला थी मरीज वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, उसमें हल्के लक्षण भी पाए गए थे और उसको कुछ दिनों के बाद भर्ती करने के बाद उसको छुट्टी दे दी गई थी। JN.1 वेरिएंट के साथ पाए गए 15 मरीज घर में अलग अलग हैं और उन्हें अपने साथ कोई भी असुविधा नहीं हो रही है, उनमें से 4 ठीक भी हो चुके हैं। अधिकारी ने इसमें कहा है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसमें ये कहा था कि हाल ही में सामने आए कोविड-19 मामले हल्के संक्रमण हैं और चिंता की इसमें कोई भी कारण नहीं है, कोई भी बात नहीं है। भारद्वाज ने इसमें कहा है कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है और मामलों में कोई भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। बीमारी की वजह से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में अब तक जो जानकारी मिली है उससे ये सामने आया है, ये मालूम चला है कि मामले हल्के हैं और कुछ लोगों को हल्की खांसी जुकाम है और कुछ जो मरीज़ हैं उनको हल्का बुखार भी है। लोग इस बीमारी से जल्द ही जल्द ठीक हो रहे हैं। फिलहाल चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, चिंता करने का कोई भी इसमें विशेष कारण नहीं है। मंगलवार को अपडेट किया गया है कि इंसाकॉग के आंकड़ों के मुताबिक हम बात करें तो देश में अब तक कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के कुल मामले 312 दर्ज किए गए, जिसमें से लगभग 47% केरल से ये मामले सामने आए हैं। अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायरस के JN.1 सब वेरिएंट की उपस्थिति का पता लगाया गया है। केरल में ऐसे 141 मामले हैं, गोवा में 51 हैं, गुजरात में 34 हैं, महाराष्ट्र में 26, तमिलनाडु में 22, वहीं दिल्ली में 16 और कर्नाटक में 8 है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 5 ऐसे मामले हैं, तेलंगाना में 2 हैं और उड़ीसा में 1 मामला ऐसा सामने आया है। इंसाकॉग के आंकड़ों से पता चला है कि दिसंबर में देश में दर्ज किए गए 279 कोविड मामलों में JN.1 की उपस्थिति थी, जबकि नवंबर में 33 ऐसे मामले सामने आए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। बने रहिए इन खबर पर।